नहीं नहीं यार, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। बस ये वीडियो रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली। अगर आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक करा है कि मैं ब्रह्मास्त्र मूवी को रोस्ट करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। क्योंकि यार ब्रह्मास्त्र मूवी का भी ट्रेलर आया तो, और ब्रह्मास्त्र मूवी इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड पे भी चल रही है, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम भी ये मूवी का ट्रेलर देख लें कैसा है कैसा नहीं है। सो आज की वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे मूवी कैसी है। अच्छा, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही जाके वो ट्रेलर देख लिया होगा, तो बता देना यार आपको ट्रेलर कैसा लगा उस मूवी का नीचे कमेंट करके। और हाँ, मेरा ओपिनियन सुन लेना ना, ये वीडियो इसीलिए तो बनाई है। नहीं मैं उसके डायलॉग पे उस मूवी पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसके यार सीन्स देखूंगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो आपके साथ देखना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई माइंड ब्लोइंग यार, ये रियली बॉलीवुड वालों की मूवी है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड वाले आके बॉलीवुड की मूवी बना रहे हैं, क्योंकि यार बॉलीवुड की आज तक की किसी भी मूवी के अंदर इतना ज्यादा बीएफएक्स तो यूज ही नहीं हुआ होगा। चलो यार और देखते, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जल, वायु, अग्नि, प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। रियली यार मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बॉलीवुड वालों ने बनाई है ये मूवी, क्योंकि यार इसके अंदर जो बीएफएक्स है ना, एकदम मतलब ये मान लो कि हॉलीवुड वालों की तरह तो नहीं है, बट हाँ ये है कि आज तक के जितने भी बीएफएक्स यूज किए गए होंगे उन सबसे बेहतर है ये वाले बीएफएक्स। मतलब वीडियो के अंदर यार एकदम अलग ही वाइब आ रही है। आपको हॉलीवुड की जो मूवी देखोगे ना, मार्वल्स की जो मूवी देखोगे, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है। कलर ग्रेडिंग यार सब कुछ मतलब वैसी वाइब आ रही है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बॉलीवुड वालों ने ये मूवी कैसे बना दी। बट हाँ, ये मूवी अगर सक्सेस होती है तो भाई वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि फिर वो ऐसी मूवीज़ और बनाएंगे, ऐसी मूवीज़ पे थोड़ा पैसा और ज़्यादा बजट खर्च करेंगे, जबी तो ऐसी मूवीज़ बनेंगी। बात तो सही है। और ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि जाके भाई सिनेमा हॉल में देखना। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो जाके आप सिनेमा हॉल में देख सकते हो, बिकॉज यार इसमें बहुत ज़्यादा बीएफएक्स यूज़ किए गए हैं। अगर ये मूवी हिट होती है तो और भी मूवियाँ बनेंगी बॉलीवुड में ऐसी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा यार बॉलीवुड में अब मूवियाँ अच्छी बनी नहीं रही है। बट हाँ भाई, मेरे को इसका टॉपिक नहीं पता है किस टॉपिक बनाई गई है, सो इसीलिए मैं इसे अभी पूरी तरह 100% एकदम बढ़िया मूवी नहीं कह सकता। पर भाई इस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम है तो पक्का भाई ये रिलीजियस मूवी है। बट भाई हमारे रिलीजियस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे भगवानों के साथ कोई अपमान नहीं होना चाहिए, सो तो ये मूवी हिट हो सकती है एक बार को। बट अगर इनने हमारे रिलीजियस के खिलाफ अगर इस मूवी में थोड़ा बहुत भी उल्टा हुआ, तो यार आप लोगों को भी पता है हर कोई इसे बॉयकॉट कर देगा। बस बॉलीवुड वालों, रिलीजियस के ऊपर कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए इस पिक्चर के अंदर। अगर गलत नहीं होगी तो भाई ये मूवी हिट होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर यार सबसे ज्यादा बीएफएक्स यूज मेरे को इसी मूवी के अंदर लग रहे हैं, तो लोग जाके जरूर देखेंगे। बस भाई इसके अंदर कोई भी रिलीजियस सीन नहीं होना चाहिए। तो चलिए और ट्रेलर देखते हैं। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र, और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। हाय, कौन हो तुम? क्या हो तुम? रंग जाऊं हाथ लगाऊं। शिवा तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिन समर्थ्यम। रियली यार बॉलीवुड वालों ने बहुत ज्यादा अटके मूवी बनाई है। नागार्जुन भी है भाई इस मूवी को, तो एक बारी तुम्हारा भाई जाके जरूर देखेगा, बिकॉज यार मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्वल की मूवी देख रहे हैं यार हम। इतना ज्यादा बीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, सब कुछ मतलब परफेक्ट। बस मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा गलत लगी यार इस मूवी के अंदर, वो यार रणवीर जूते पहन के मंदिर के अंदर घुस गया। मतलब थोड़ा बहुत तो शर्म कर ही लो। अब मैं क्या यार, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं, चलो और ट्रेलर देखते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक पूरी वीडियो इसके ऊपर ही ले आऊंगा, मतलब ट्रेलर के ऊपर नहीं, कि ये मूवी किस टॉपिक पे बनाई है, किस चीज के ऊपर बनाई गई है, पूरी इस मूवी का सारांश मतलब समरी क्या है और क्या नहीं है। आप लोग कहोगे तो बना दूंगा, बिकॉज यार ये रोस्ट वीडियो नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इस मूवी को मैं अभी रोस्ट करूं। ओके। केसरिया, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अरे
हाय हाय रणवीर और आलिया की जोड़ी। हाथ लगाओ शिवा तुम्हारा हाथ। और आपने एक चीज नोटिस करी यार, भाई का नाम आ गया शिवा। हाँ ये देखो शिवा तुम्हारा हाथ। ईशान देख रहे हो यार आलिया कितनी केयर करती है मेरी। क्या बोला तूने? भाई मजाक कर रहा हूँ, वीरियत मत ना हो, वो रणवीर का नाम है उसमें शिवा। ओके नंदी अस्त्र खंड खंड गुरु। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा। यार क्या ही कहूँ मैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी के बीएफएक्स यार, बीएफएक्स देखने के बाद रियल यार मेरे को तो इस मूवी के बीएफएक्स से प्यार हो गया। मतलब यार बॉलीवुड वालों तुमने चलो कुछ तो बढ़िया काम करा, इतने बढ़िया बीएफएक्स डाल के मूवी के अंदर। बाकी तो जब पूरी मूवी देखेंगे जब बताएंगे मूवी कैसी है कैसी नहीं है, बिकॉज यार ट्रेलर देख के हम जज नहीं कर सकते ना मूवी को कैसी है कैसी नहीं है। बात तो सही है, हमारा सिर्फ एक मकसद जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। ट्रेलर खत्म हो चुका है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस ट्रेलर के अंदर क्या चीज खराब लगी और क्या चीज गलत लगी। मेरे को इस ट्रेलर के अंदर सबसे ज्यादा गलत वो सीन लगा जब भाई रणवीर कपूर अपने जूते पहन के मंदिर के अंदर घुस जाता है। तो आप लोग कुछ बताओ कि इस ट्रेलर के अंदर और भी ज्यादा गलतियां हैं कि नहीं, बिकॉज मेरे को तो सबसे बड़ी गलती वही लगी कि यार मतलब मंदिर में जूते पहन के घुसना। बाकी यार ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है जो कि मैं इसे रोस्ट करूं, अगर ये रोस्ट वीडियो होती तो मैं यार इसे बहुत ज्यादा रोस्ट कर देता। बट अगर हाँ आपने अगर मेरी पिछली रोस्ट वीडियो नहीं देखी, अगर आपको गाली वाला रोस्ट देखना है ना तो जाके मेरा पिछला रोस्ट वीडियो जरूर देखना। हाँ डी अब्दुल का जो गाना आया था ना उड़ता तीर हम रोस्टरों के ऊपर, उसी गाने के ऊपर तुम्हारे भाई ने गाली के साथ रोस्ट किया और उसके अंदर यार पंचलाइन भी बहुत सारी है, आप लोग मीम भी बना सकते हो। सो जाके प्लीज देखना और इस वीडियो पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना प्लीज यार। लव यू गाइस। ओए मोहित तूने ट्रेलर देखा बता कैसी लगी? ओए शिवा मूवी देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मार्वल वालों की मूवी देख रहा हूँ, बट ये तो बॉलीवुड वालों की निकली। बट एक सीन इसके अंदर बहुत ज्यादा गलत है, वो जूते पहन के जो घुस गया रणवीर। हाँ भाई वो तो बहुत ज्यादा बड़ा गलत सीन है। हाँ शिवा भाई सबसे ज्यादा गलत मेरे को यही सीन लगा इसके अंदर, बाकी तो भाई सब कुछ बढ़िया है। मैं तो बॉलीवुड वाले से ये कहना चाहता हूँ इस पार्ट को तुम ट्रिम कर दो या फिर दोबारा शूट कर लो जाके, क्योंकि यही पार्ट तुम्हारी भाई पूरी मूवी को डुबा भी सकता है और बॉयकॉट होना स्टार्ट हो भी चुकी है मूवी। तो शिवा भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी इनके बीएफएक्स के लिए बॉलीवुड वालों को मैं कहना चाहता हूँ यार बीएफएक्स बहुत बढ़िया है। सो चलता हूँ शिवा भाई ठीक है, क्योंकि मुझे जाके फिर देश में भी तो देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टॉपिक भी तो बताना है। सो आप लोग बता दो गाइस, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हो, क्या नुपुर शर्मा के ऊपर एक वीडियो ले आए क्या शिवा भाई? तो आप लोग बता दो, फिर इसके ऊपर भी आ सकती है या फिर इसके ऊपर भी रोस्टिंग वीडियो आ सकती है ब्रह्मास्त्र के ऊपर, जो आप चाहोगे वो ही आएगा। तो ठीक है भाइयों चलता हूँ, बाय।